राशु राशु लौकर ही बेटा, खाना ठंडा हो जाएगा, चल आ जा। राशु राशु राशु, क्या ये लड़की इतना देर लगाती है? राशि, अरे देवा, ये लड़की कब बड़ी होने वाली है? मम्मी, आपने मेरा पूरा वीडियो खराब कर दिया। मैंने तुझे कितनी बार बोला राशि, ये सारे वीडियोस फ्रेंड्सबुक में मत अपलोड किया कर। उफो, चल मॉम। चल चल, क्या बोल रही है? मम्मा, आप क्यों इतनी परेशान हो रही हो? पूरे दिन इस फोन के साथ चिपकी रहती है तू, पूरा टाइम वेस्ट होता है, समझता नहीं तुझे सब? आप बेचारे मोबाइल पर क्यों भड़क रही हो? आपको पता है ये टाइम वेस्ट नहीं करता, उल्टा टाइम बचाता है। मैं आपको ना मोबाइल से टाइम सेव करना सिखाती हूँ। आप ना पापा से चैट किया करो और ये सारे स्माइली भेजा करो। जब आपको बिना शर्माए शर्माना हो ना, तो ये रेड चिक्स वाला स्माइली भेज दिया करो। और हाँ, ये ना आपके मेकअप का खर्चा भी बचाएगा। चला काई। और ये जो किसी वाला स्माइली है ना, ये स्माइली आप अगर पापा को भेजोगे तो आपको पापा के घर आने का वेट नहीं करना पड़ेगा। राशु कुछ भी बोले जा रही है। अच्छा, अभी पापा को भेजती हूँ। पापा, मम्मी ने आपको दो किसी भेजी है। राशु, पापा ने आपको पांच किसी भेजी है। बदमाश लड़की। बे यार, क्या माल लगती है बे राशि। अबे भाभी है तेरी कमीने। अबे अगर ये अपनी भाभी है तो सनी हुआ अपना बड़ा भाई ना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, प्लीज टेक आउट योर इकोनॉमिक्स बुक, ओपन पेज नंबर 34, मेल्थस थ्योरी। बुक क्यों मांगती हो? अच्छा मांगो ना। अरे ये तो डफर है, तू मेरा स्वीटी पाया ना, देना। कितनी देर कहाँ रहेगी थी तू? हाँ, अरे वो ना चार्जर भूल गई। अच्छा सुन, आज पिक्चर देखने चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं। सनी, गेट आउट। अब मैम कुछ नहीं, get वो out. I said get out. बाहर का मौसम कैसा है? बारह बताता हूँ। क्या करेगा? हवन करेंगे। हा, दोनों मिलकर। हमारी आज की युवा पीढ़ी के जीने का अंदाज बिल्कुल अलग है। किसी को भी आई लव यू कह देना, आई मिस यू, सो स्वीट, आई हेट यू, ये सब उनके लिए आम सी बात है। नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इसमें कोई बुराई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के लाइफस्टाइल से परिचित नहीं होते हैं, उन्हें इस तरह की भाषा का ज्ञान नहीं होता है और वो कई बार बात का गलत अर्थ निकाल लेते हैं और फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैक सॉरी। इट्स ओके। All right guys, time for results. Festival के opening dance के लिए जिस जोड़ी को चुना गया है, उनके नाम है राशि सिडोटकर और राशि का पार्टनर कौन है? मोहित। किसने कहा? सही जवाब, मोहित पाटिल। कांग्रेस राशि।
थैंक यू। ये क्या नॉनसेंस बोल रहा है? अरे छोड़ना है, कोई बात नहीं। क्या छोड़ना? बट स्टिल यार, पीछे चेयर करने के लिए तो कोई चाहिए ना, तो मैं बनूंगा ना तेरा चेयर लीडर, तो सेलेक्ट होगी ना, मैं खुश। ए सनी बनी, क्या हुआ? बुरा लगा ना तेरे को? पर ये जो राहुल कोरियोग्राफर है ना, वो थोड़ा डम है, और तू तो चेयर लीडर बनने वाला था और खुद ही अपसेट बैठा है। अरे तू क्यों इतना गुस्सा हो रही? और वैसे भी ये जो राहुल से ने जोड़ी बनाई है ना, वो कुछ भी काम का नहीं है। वैसे हमारी जोड़ी तो रब ने बनाई है ना? ये लो, आ गई। कुठे होतीस तू? हाँ, जैक्स को बुलाकर खुद गाती इतनी देर। पापा, आज कॉलेज में ना डांस सिलेक्शन था, तो सनी का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो बहुत अपसेट था, तो मैं उसका चेयर अप कर रही थी। अच्छा, वैसे मेरा सिलेक्शन हो गया। बेटा, एक खबर बासी हो चुकी है, जैक्स ने हमें पहले ही बता दिया। अब चल मेरा काम कर ले। चल जैक, तुझे पता है मेरा कंप्यूटर ना बहुत हैंग होता है, और पता है मैं चला चला के थक गई हूँ। देख, ये मेरा कंप्यूटर है, तुझे इसको फॉर्मेट मारना है। सुन, उससे पहले ना मैंने तुझे एक पिक डैट्सअप की है, और उसका तुझे पिंपल क्लीन करना है। जैक, समझा तू? क्या? और हाँ, तू काम स्टार्ट कर, योर टाइम स्टार्ट नाउ, मैं शावर लेकर आती हूँ। Nothing, मैंने तेरा कंप्यूटर फॉर्मेट कर दिया है, और अपना मोबाइल चेक कर ले, मैंने पिक्चर को ठीक करके अपलोड कर दिया है, तू चाहे तो टैग वैग भी कर सकती है। तूने अपलोड भी कर दिया? वाओ! Yes! OMG, OMG, OMG! क्या हुआ? You know what? 127 likes! सिर्फ 5 minutes में! आज तो तूने मेरी किस्मत ही बना दी। राशि, तुझसे एक बात करनी है। आज तुझे मोहित के साथ देखकर मुझे थोड़ा डर लग रहा है, कहीं हम दोनों के बीच कोई तीसरा ना आ जाए। Means what? I love you यार, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। हेलो सनी, तेरा दिमाग तो ठिकाने में ना, तू ये क्या बोल रहा है? और हाँ, अब मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं। I love you यार। बस, अगर तूने एक बार भी I love you बोला ना, तो खींच कर एक चमार दूंगी तुझे। तू किस एंगल पे हमारी दोस्ती को ले जा रहा है? इसका मतलब मेरा डाउट सही था, तुझे उस मोहित से प्यार हो गया ना? निकिता सही बोल रही थी, हाँ? प्लीज साइको मत बन, क्या हो गया तुझे? वायरस घुस गया है क्या? और तुझे पता है ये लव और इसके लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आई टेल यू, अब मुझसे कभी भी बात मत करना। Don't ever talk to me. बैग दे मेरा। जैक्स, आज मुझे घर ड्रॉप कर देना ना। क्यों? सनी तुम्हें ड्रॉप नहीं कर रहा? तुझे जितना बोला उतना करना, मुझे पता है किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं। जिंदगी को खुलकर जीने के अंदाज ने जहां एक तरफ राशि के कई अच्छे दोस्त बनाए, वहीं दूसरी तरफ कुछ गलत फहमियों ने रिश्तों को एक अनचाही राह पर मोड़ दिया। राशि अपनी मर्यादा की सीमाएं जानती थी, इसलिए इन्हें लांघने वालों के लिए जवाब था उसके पास। राशि की तो नीयत साफ थी, जो दिल में था वही जुबां पर, लेकिन सामने वाला समझता वही है जो वो समझना चाहता है, जैसी उसकी सोच होती है। राशि, चल आ जा नाश्ता करने। माँ, अभी नहीं प्लीज, अभी मैं बहुत जल्दी में कॉलेज में कुछ खा लूंगी। अच्छा रुक, ये लेके जाना, ये खाते हुए जाना, तेरी ट्रेन ना हमेशा छुटी हुई रहती है। अरे खुद ही सुपर फास्ट है, इसकी क्या ट्रेन छूटेगी? खुद तो ऐसे हो, अब इसे भी बना दो अपने जैसा।
बाय मम्मी, बाय पापा। अब आप मेरी हिटलर मम्मी को संभालो, मैं तो चली। बाय 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 बेटा बाय। The number you have called is currently not reachable. क्या स्विच ऑफ आ रहा है? The number you have called is currently not reachable. Oh, कुछ पता चला राशि का? कहाँ है वो? आओ बोलो ना कहीं तेरी, कुछ तो बोलिए, कुछ तो पता चला होगा ना राशि का? कल वो कॉलेज ही नहीं गई थी। तो वो गई थी ना, वो ठीक तो होगी ना? किस हाल में होगी वो? इंस्पेक्टर साहब, हर रोज की तरह मेरी बेटी सुबह सुबह घर से निकली लेकिन वापस लौट के ही नहीं आई। मैंने उसके सभी दोस्तों को कांटेक्ट किया लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। फिर मैंने कॉलेज फोन किया लेकिन उस दिन तो मेरी बच्ची कॉलेज गई नहीं, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। राशि का, आप लोग से किसी बात में कोई अनबन? नहीं। या फिर किसी लड़के के साथ कोई चक्कर? नहीं नहीं साहब, हमारी राशि ऐसी नहीं है। अच्छा बुरा खूब अच्छी तरह से समझती है वो, सबसे घुल मिल कर रहती है वो। जोशी, राशि के कॉल डिटेल्स निकालो और पता करो उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन क्या था। राशि हमारे कॉलेज की स्मार्ट और अच्छी लड़की है। आज तक मुझे उसकी कोई कंप्लेंट नहीं मिली। एक हफ्ते पहले कोरियोग्राफर ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी लेकिन राशि ने उसे बहुत अच्छा सबक सिखाया। इनफैक्ट उसकी वीडियो क्लिप कुछ बच्चों ने बनाई थी। उसके बाद उस कोरियोग्राफर को मैंने धक्के मार के कैंपस से आउट कर दिया। नाउ शी वॉज फाइन। आप चाहे तो उसके टीचर अनिता से बात कर लीजिए। ओके थैंक्स। कोरियोग्राफर की डिटेल्स निकालो और उसे बुलाओ। अटेंडेंस रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज सब चेक करो। ओके सर। राशि गायब हो गई, उससे जुड़ी कोई खास बात जो आप हमें बताना चाहती हैं? ऐसी कोई खास बात नहीं है, पर स्वभाव की बहुत ही चंचल है। दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना उसकी आदत है। 2-3 बार चैटिंग करते वक्त मोबाइल पे मैंने ही उसे पकड़ा। अब आपको तो पता ही है आजकल के बच्चे तो बहुत बिगड़े हुए हैं, किसी की सुनते ही नहीं है और फ्रेंड्स बुक और दैट सब पे तो हर वक्त लगे रहते हैं। ठीक वैसे ही वो लगी रहती थी। अच्छा, राशि का कभी किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह कुछ और बताना चाहती हूँ? नहीं थैंक्स। ब्रायन, एक लड़की की डिटेल भेज रहा हूँ। यस सर। दैट्स अप और फ्रेंड बुक में इसकी मूवमेंट और चैट को ट्रैक कर, कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगा। ये इंटरनेट भी ना आजकल क्राइम नेट बनता जा रहा है। ओके सर। सर, राशि सनी की गर्लफ्रेंड तो नहीं थी, मगर हाँ सनी कुछ ज्यादा ही बदलेसु था राशि को लेकर। सर, उन दोनों के बीच कुछ लफड़ा हुआ था इसलिए आजकल वो अलग अलग ही दिख रहे थे। सर, सनी और मोहित के बीच में राशि को लेकर झगड़ा हुआ था, इस बात से सनी राशि से काफी नाराज था। अच्छा, एक काम कर, चल तेरे साथ। क्या नाम है तेरा? सर, मेरा नाम जैक्स है, एक्चुअल नाम जगदीश है लेकिन प्यार से जैक्स बुलाते हैं। राशि का क्या चक्कर? सर, पिछले काफ़ी टाइम से सनी और राशि बेस्ट फ्रेंड नहीं, बेस्टेस्ट फ्रेंड थे। दुनिया को तो ऐसा लगता था कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, वो दोनों एक दूसरे के साथ घूमते फिरते थे। इनफैक्ट जिस दिन से राशि गायब हुई उस दिन से सनी का भी कुछ पता नहीं है। जोशी, जरा सनी को ढूंढ, कहीं ये दोनों घूमने फिरने तो नहीं निकल गए? पता नहीं सर। क्यों, तुझे बताया नहीं? तो तेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? नहीं सर, बुक फ्रेंड। बुक फ्रेंड? मतलब कि जब राशि क्लास में बुक लेके नहीं आती थी तो मुझसे मांगती थी। वो लड़के का क्या नाम होता है? मोहित।
मोहित पाटिल, तेरा नाम है? यस सर। राशि तेरी गर्लफ्रेंड है? नहीं सर, राशि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो उसका सीनियर हूँ। पिछले कुछ दिनों से हम एक साथ डांस प्रैक्टिस कर रहे थे कॉलेज फेस्ट के लिए बस, और निकिता मेरी गर्लफ्रेंड है। राशि से आखिरी बार कब और कहाँ मिला था? सर कुछ ही दिन पहले, जिस दिन सनी से लड़ाई हुई थी। सनी से लड़ाई क्यों हुई थी? सर उसे गलत फहमी हो गई थी कि मैं राशि को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोग कॉलेज में पढ़ने आते हो लड़कियाँ पटाने? अपनी डिटेल्स दो, और हाँ पनवेल से बाहर मत जाना। यस सर। मुशी, ये सनी का नाम बार बार आ रहा है, ढूंढो जरा सनी को। सबसे मिलजुल कर रहने वाली, आत्मविश्वास से भरी, हंसने बोलने वाली खुश मिजाज राशि की निर्मम हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या खुलकर हंसना बोलना उसका जुर्म था, या इमोटिकॉन से अपने इमोशंस का इजहार करना उसका अपराध था? वजह जो भी रही हो, पुलिस उस कातिल तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। सर, कोरियोग्राफर राहुल दुबई से मुंबई आ गए, कांदिवली गणेश नगर में उसका मोबाइल ट्रेस हुआ है। उठा लो सर, बहुत नचाया उसने हमें, अब हम उसे नचाएंगे। ओके सर। क्या ब्रांड, कुछ मालूम पड़ा? ये सर, सर बस वही पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर अब तक ये पता चला है कि फ्रेंड्स बुक पर निकिता की राशि नाम की लड़की से लड़ाई चल रही थी, और एक दिन पहले राशि ने निकिता को ब्लॉक भी कर दिया है। सर निकिता ने किसी मोहित नाम के लड़के से दूर रहने के लिए बोला है, और उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। सर शायद मोहित निकिता का बॉयफ्रेंड है। तो ठीक, कैरी ऑन। सर राशि के मोबाइल की लास्ट लोकेशन कालिंद नाके के पास ट्रेस हुई है। कालिंद नाके के सीसीटीवी पे थोड़ा चेक करो, हम अभी आते हैं। जी सर। तो अक्टूबर को कहाँ थे? सर मैंने कॉलेज फेस्ट के ऑर्केस्ट्रा में पार्ट लिया है, और एक हफ्ते से उसी की रिहर्सल चल रही है। मैं 2 अक्टूबर को भी रिहर्सल्स में ही थी। बड़ी मासूम बन रही हो। दैट्स अप और फ्रेंड्स बुक में तुमने राशि को जान से मारने की धमकी नहीं दी? नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ उससे मेरी लड़ाई जरूर हुई थी, क्योंकि राशि की वजह से मेरा बॉयफ्रेंड मोहित मुझसे दूर हो रहा था। जो कुछ भी है सच सच बता दो, तुम्हारे सारे धमकी भरे मैसेज हमारे पास हैं। सॉरी सर, मैंने उसे सीरियस में किल यू लिखा था, पर गुस्से में ये सब लिखना तो नॉर्मल बात है। आई किल यू तुम्हें नॉर्मल लगता है? अगर इस केस में तुम्हारा हाथ निकला ना, इस तरह के मैसेज टाइप करने के लिए तुम्हारे हाथों में उंगलियां नहीं बचेगी। सर राहुल आ गया केबिन में। सर, सर हमने डांस हॉल के सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया, जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन निकिता पूरे दिन के लिए रिहर्सल हॉल में रिहर्सल कर रही थी। और एक बात सर, सनी के व्हाट्सएप और फ्रेंड्स बुक के मैसेज पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि सनी काफी सेंटिमेंटल था। सनी के मोबाइल का आखिरी लोकेशन और राशि के मोबाइल का आखिरी लोकेशन काली नाका आ रहा है। सनी कॉलेज में भी एब्सेंट था सर। राशि के कॉल रिकॉर्ड निकालो। राशि घर से निकली और 10 मिनट बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, और फिर 2 मिनट बाद स्विच ऑन हो जाता है। तब तक वो अलीबाग वाले हाईवे तक पहुंच चुकी होती है। मतलब साफ है वो किसी के साथ गाड़ी या बाइक पे थी। सर सर ये देखिए, ये काली नाका की सीसीटीवी फुटेज आ गई है। सर ये देखिए सर, यहाँ पे राशि किसी के साथ स्कूटी पर है। लेकिन ये लड़का है कौन? हेलमेट होने की वजह से इसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा। स्कूटी के नंबर पे ज़ूम करो। जी सर। अब भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। चलो एक काम करो। जी सर। सेंट्रल टेक्निकल एजेंसी से कांटेक्ट करो, उनसे मदद लो, और उनसे कहो कि ये स्कूटी का नंबर हमें तुरंत चाहिए। जी सर। जोशी, राशि अगर इस स्कूटी वाले के साथ थी तो इस स्कूटी वाले का मोबाइल नंबर कॉन्स्टेंटली राशि के साथ होगा। ढूंढो इस बंदे को। सनी, मोहित, निकिता और राहुल, इन चारों के मोबाइल नंबर के साथ मैच करो। हाँ ब्रायन। ओके मैं आता हूं।
मिला ब्रांड जी सर। सर राशि ने अपने फ्रेंड्स बुक पर 20 अगस्त की रात को 3 बजे किसी और आईपी एड्रेस से लॉगिन किया सर। उसके बाद इसी आईपी एड्रेस से कई बार लॉगिन हुआ सर। सारे के सारे लॉगिन रात के हैं। रात 3 बजे मतलब राशि रात को किसी के घर जाती थी। ब्रायन यस सर फटाफट इसका आईपी एड्रेस निकालो। श्योर सर। जोशी चलो। बीस अगस्त की रात को राशि किसी और के घर पे थी। इंस्पेक्टर मेरी बेटी राशि कभी भी दूसरों के घर में रात में नहीं रुकती थी। वैसी लड़की नहीं थी और 20 अगस्त की रात हमारे घर पे हमारे साथ सोई थी। वो बहुत डरी हुई थी। मम्मी पापा मम्मी मम्मी राशि 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 क्या हुआ बेटा? तू ठीक तो है ना? राशि क्या हुआ बेटा? इतनी क्यों डरी हुई है? क्या हुआ बेटा? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? वो व्हाट्सएप पे एक वीडियो आया था। कैसा वीडियो? वो बहुत भयानक था। उसको देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। ये तेरा मोबाइल है ना, सारी मुसीबत की जड़ यही है। ऐसा क्या देख लिया बेटा तूने? बोलो बेटा क्या हुआ? आप भी सुनो पापा। क्या है? अरे क्या कर रहे हो दोनों? रात के 3 बजे सो जाइए। बेटा सो जाओ, सुबह बात करते हैं इस बारे में। चलो सो जाओ। गुड गर्ल। जोशी राशि के फ्रेंड्स बुक अकाउंट को कोई दूसरा शख्स एक्सेस कर रहा था, वो भी किसी दूसरी जगह से। अरे हैकिंग कर रहा था सर, लेकिन मर्डर के साथ उसका क्या ताल्लुक हो सकता है? यही तो हमें पता लगाना है। ब्रायन का मैसेज है, किसी साइबर कैफे के एड्रेस से। रात 3 बजे कोई साइबर कैफे से हैक कर रहा था, थोड़ा अजीब है। शिंदे खारगर रेलवे स्टेशन की तरफ लो। हाँ राशिद बोल। साहब सनी का पता लग गया। बालू एक काम कर, 3-4 कॉन्स्टेबल की टीम लेकर तालेगांव की तरफ निकल। सनी हमें मिल गया। जी सर। जोशी तुझे खबरी का नंबर और एड्रेस एसएमएस कर रहा है। ओके सर। मराठे सर कहाँ है? लाइन पे सर। हेलो सर, ब्रायन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ब्रायन, क्या नई खबर? सर नहीं, मैंने आपको जो नया एड्रेस एसएमएस किया है सर, वो एड्रेस हैकर का है सर। पहले वाला एड्रेस हैकर का नहीं है। मतलब? अरे हम तो अभी उस एड्रेस पे पहुँचने वाले हैं। नहीं सर, आप वापस पनवेल की तरफ आइए, एड्रेस वहाँ का है। यूटर्न मार पनवेल। सर हमने साइबर कैफे के आईपी एड्रेस के बारे में और जानने की कोशिश करी तो पता चला कि साइबर कैफे के आईपी एड्रेस को कोई और हैक कर रहा था। मतलब साइबर कैफे के कंप्यूटर को कोई दूसरी जगह से ऑपरेट कर रहा था और उसने वहीं से राशि के फ्रेंड बुक को एक्सेस किया। यस सर, किसी ने वहां के कंप्यूटर में एक मिररिंग सॉफ्टवेयर डाल रखा था जिसके जरिए वो उसको ऑपरेट करता था। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? सर कंप्यूटर की जानकार के लिए आसान होता है। अच्छा ब्रायन, वो आईपी एड्रेस कहाँ का है? सर पनवेल की किसी नक्षत्र सोसाइटी का है। ठीक है। चक्रो फटाफट सब जगह चक्रो। अरे क्या कर रहे हैं आप सब और यहाँ पर क्यों? सर पकड़ सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। अरे चल सर। अरे चल क्या चाहिए आप लोगों को यहाँ पर? सब चक्रो। ये सब क्या हो रहा है? और क्या चाहिए आप लोगों को? मैं अपना काम करने दीजिए, मर्डर हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मर्डर की इन्वेस्टिगेशन हमारे घर में? जी हाँ, अभी पता चल जाएगा। सर क्या है?
भगत सिंह। देखो सर ये देखिए, ये देखिए इस लड़के की कॉल डिटेल। सर ये लड़का अपने रडार पर रही था और राशि की मोबाइल लिस्ट में इसका नाम भी नहीं था। हाँ ब्रांच सर, सेंट्रल एजेंसी से रिपोर्ट आ गई है सर। सीसीटीवी में देखी गई बाइक का नंबर भी ट्रेस कर लिया गया है और ओनर का आरटीओ से एड्रेस भी निकलवा लिया गया है। सर पहले जो मैंने आपको एड्रेस फॉरवर्ड किया था वो एड्रेस और ये एड्रेस सेम है। गुड जॉब ब्रांच। क्या हुआ इसको बताइए। आपका सुपुत्र कुपुत्र निकला है वो। कभी कभी सच की जड़ तक पहुंचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन सेंट्रल टेक्निकल एजेंसी और पुलिस के साइबर सेल की मेहनत ने इस मर्डर के सारे पहलू खोल दिए। अब कातिल का पकड़ा जाना लगभग तय था। राशि को क्यों मारा? राशि से बहुत प्यार करता था, उसके लिए पागल था। जब एक दिन मैं उसके घर गया तो वो नहाने चली गई और मैं उसको नहाते हुए विजुलाइज कर रहा था। जब उसे छोटे कपड़ों में दिखा तो मैं पागल हो गया था। अपने मोबाइल से उसकी रिकॉर्डिंग की और उसके फ्रेंड्स बुक का पासवर्ड भी देख लिया। जब उसके घर गया तो उसके मम्मी पापा को देख के लगा कि मेरी ऐसी लड़की से शादी होनी चाहिए। एक मासूम लड़की को जान से मार के उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। तेरे घर से हमें वायलेंस गेम्स और फिल्म्स की डीवीडीज मिली हैं। सर उस दिन मैं राशि को मारने के लिए नहीं, प्रपोज करने के लिए ले गया था। तू ये मुझे कहाँ ले आया? For you, my sweetheart. I want to spend my rest of life with you. Will you be my honey? मैं राशि को वहीं छोड़कर उसका मोबाइल लेकर अपनी स्कूटी से निकल गया। कल इन नाके के पास उसका मोबाइल स्विच ऑफ किया और झाड़ियों में फेंक दिया, लेकिन उसकी धमकी बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं डर गया। तब अचानक से मुझे एक प्लान सूझा। मैंने राशि के टुकड़े टुकड़े करके बोरी में बंद करके अलग अलग जगह फेंक दी। अपनी सोच और सीधी साधी बातों का गलत मतलब निकालने की मानसिकता ने सिर्फ राशि को ही नहीं मारा, बल्कि तेरी खुद अपनी खुशियों और सपनों का गला भी घोट दिया। हमारी जुबां से ही बात बनती है और इसी जुबां से बात बिगड़ती है। जरूरत है अपने शब्दों को परखने की और फिर बोलने की, लेकिन आज के बदलते परिवेश में शब्दों और जज्बात की जगह इमोटिकॉन्स और स्माइलीज ने ले ली है। नतीजा कोई भी किसी को दिल का या किस का इमोटिकॉन भेज देता है, लेकिन क्या वो यही रियली मीन भी करता है? क्या वो यही कहना चाहता है? राशि बड़े खुले दिल से अपने मन की बात सबको बताती थी, लेकिन जैक्स ने और सनी ने उसके शब्दों से उसके व्यवहार का अर्थ लगाया और राशि को इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आज हर घर में एक राशि है और उसके आसपास सनी, जैग्स, मोहित और राहुल जैसे लोग भी हैं।
हमें युवा पीढ़ी को ये एहसास दिलाने और समझाने की जरूरत है कि किसके साथ कैसी भाषा का इस्तेमाल करें, कैसा व्यवहार करें और कैसे इमोटिकॉन्स का प्रयोग करें। बस इतनी सतर्कता बरतने की जरूरत है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को, सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।